विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जहां देश भर में परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर देश में चलाए जा रहे इस्लामिक जिहाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है, वहीं छोटी काशी मंडी में भी विश्व हिंदू परिषद ने उपज मंडी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। परिषद के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे परिषद के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन के माध्यम से देश में इस्लामिक जिहाद को लेकर वातावरण तैयार कर रहे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस्लामिक जिहाद को लेकर कुछ ताकतें ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं जिससे हिंदुत्व पर विपरीत प्रभाव पड़े। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से ऐसी देशद्रोही ताकतों पर लगाम लगाने की मांग की है। मंडियाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में त्रिकर अकेडमी के द्वारा दिव्य ज्योति स्कूल परिसर में 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक एक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस समर कैंप में त्रिगर्त अकेडमी के संस्थापक राजन मंजू प्रतिभागी बच्चों को मंडियाली नाटक और संगीत की विधा के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। समर कैंप के बारे में जानकारी देते हुए राजन मंजू ने बताया कि हमारी आज की पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपनी मंडियाली संस्कृति को भूलती जा रही है, इसलिए उन्हें ये विचार आया कि क्यों ना मंडियाली भाषा के संरक्षण और संस्कृति के संवर्धन पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जाए। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची मंडी जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी रेवती सैनी ने कहा कि अपनी बोली अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मंडी जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बच्चे अपनी मंडियाली भाषा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सोलन रेलवे रोड पर स्थित मीट मार्केट पर चला नगर परिषद का पंजा, 7 दुकानों को खाली करवा कर उन पर जबरन जेसीबी चलाई गई। आपको बता दें कि इस मार्केट में दुकानदार पिछले कई दशकों से कारोबार करते थे, लेकिन आज वे सभी सड़क पर आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर नगर परिषद की इस मार्केट में दुकान मालिकों ने अपनी दुकानें आगे किराए पर दी हुई थी। इन दुकानों के टूटने पर दुकान मालिकों को तो पालिका बाजार में फिर से दुकानें मिल गई, लेकिन जो असल में दुकानदार थे वे आज सड़क पर आ चुके हैं। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा दुकान मालिकों को दुकान खाली करने के नोटिस दिए गए थे, जिसमें से कुछ ने दुकानें खाली कर दी थी और कुछ की आज सुबह खाली करवाई गई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई नई पार्किंग के लिए चौड़ा रास्ता बनाने के लिए इन दुकानों को तोड़ा जा रहा है, ताकि पार्किंग में आने जाने वालों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।